विश्व प्रसिद्ध खोसागरी नमास का सालाना 808वां उर्स शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने पर आज जिला पुलिस प्रशासन की ओर से मजारे शरीफ पर शुक्राना चादर पेश की गई। इस दौरान संभागीय आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा, जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा के साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी कवालियों के बीच निजाम गेट से मखमली चादर व अकीदत के फूल लेकर मजारे शरीफ पर पहुँचे, जहां पर उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन चैन व भाईचारे की दुआ मांगते हुए तमाम बीमारियों से जायरीन व देश के नागरिकों को दूर रखे इसकी दुआ की गई। इस कार्यक्रम के बाद एक महफिल का आयोजन किया गया। वहीं सभी अधिकारियों को दरगाह कमेटी अजुमन की ओर से दस्तार बंदी कर तब्रुक भी भेंट किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला पुलिस प्रशासन की ओर से चादर पेश की गई और शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सभी शहरवासियों व अधिकारियों के साथ साथ दरगाह कमेटी अजुमन संस्थाओं के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया गया। इस मौके पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा सभी जायरीन की यात्रा मंगलमय हो और सभी की दुआएं कबूल हो, इसको लेकर भी ख्वाजा गरीनवास की बारगाह में दुआ की गई। आगामी उर्स में भी तमाम व्यवस्थाएं माकूल बनी रहे और दरबार में यूं ही जायरीन की हाजिरी लगती रहे, इसकी कामना की गई। आज क्या उर्स शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है तो ख्वाजा गरीब नवाज का शुक्राना अदा करने के लिए हमने प्रशासन की तरफ से चादर पेश की है और सभी का धन्यवाद दिया है कि सभी ने बड़ी अच्छी सी व्यवस्थाएँ रखी हैं। जायरीन भी बाहर से आए हैं, पहली बार पाकिस्तान से भी यहाँ जायरीन आए हैं, तो सब अच्छी शांति से हुआ और सभी की दुआएं कबूल हो। गरीब नवाज सबकी दुआएं कबूल करें और सबको कामयाबी दें, यही हमने सबसे उनसे दुआ की है और हमारी तरफ से पूरी इंतजाम करने की कोशिश की है और आगे भी इसी तरह प्रशासन व्यवस्थाएं करता रहे। 808वां उर्स शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और जो जायरीन आए थे वो ज़्यादातर चले गए, बहुत कमी है और इस बार व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई चूक नहीं रही, कोई बहुत बड़ी परेशानी किसी को पेश नहीं आई। पाकिस्तान से भी जायरीन आए थे, काफ़ी शांतिपूर्वक और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में उर्स संपन्न हुआ है। तो आज हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से शुक्राने का चादर पेश किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ही अजमेर में इसी तरह से शांतिपूर्वक माहौल बना रहे और उर्स का आयोजन इसी तरह सफलतापूर्वक होता रहे।